ये है हमारा MI TV 484 जिसकी स्क्रीन गई है टूट। कैसे टूटी ये तो हमें भी नहीं पता चला, और शायद आपको भी यहाँ पे देख के तो इसे पता नहीं चल रहा होगा कि इसकी स्क्रीन टूटी हुई है। ये देखो कहीं से कहीं तक इस पे कोई क्रैक को तो छोड़ो स्क्रैच भी नहीं है, ना इस कॉर्नर पे, ना यहाँ पे, ना ही यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा और ना ही यहाँ बॉर्डर में। तो फिर कहाँ से गया टूट और क्या वारंटी में कवर होगा, तो कहाँ से ब्रोकन है पहले वो देख लेते हैं। तो जैसे ही टीवी ऑन किया आप देखेंगे ये यहाँ पे क्रैक आपको दिख रहा है, ये क्रैक आ गया है। ये इंटरनल क्रैक है, वैसे तो एक्सटर्नल इसमें कुछ नहीं है। अगर इसे छू के भी देखेंगे तो इसमें जरा सा भी क्रैक एक्सटर्नल नहीं है, सब कुछ इंटरनल है। लेकिन एज पर जो मुझे अभी तक इंफॉर्मेशन इसकी जानने की मैंने कोशिश की और मुझे जितनी इंफॉर्मेशन मिली है, शायद ये वारंटी में कवर ना हो, लेकिन फिर भी टू गेट इट क्रॉस चेक, इसे क्रॉस चेक करने के लिए मैंने MI TV पे कंप्लेंट रेज की है उनकी कस्टमर केयर पे, और MI से इंजीनियर आएगा, वो विजिट करके टेक्नीशियन इनका चेक करेगा। और मैं तो उम्मीद करूँगा क्योंकि ये वारंटी में है, 2 साल की वारंटी देता है MI, तो मैं तो चाहूँगा मेरी जेब का खर्चा ना हो और ये मेरी जो डिस्प्ले है उसी वारंटी में सही हो जाए। तो भाइयों ये एक रियलिटी चेक होगा कि क्या वारंटी का हमें कितना फ़ायदा होता है और कितना नहीं। और अगर मैंने इनके वारंटी के टर्म्स एंड कंडीशन भी पढ़े हैं, उसमें इन्होंने क्लियरली लिखा है कि फिजिकल डैमेज कवर नहीं है, लेकिन ये कोई फिजिकल डैमेज नहीं,